भाई साहब क्या जुलम हो रहा है यहाँ पे। तो भाई साहब दुबई में, दुबई का मेन शेख जायद रोड, भाई साहब बुरा हाल हो गया है। बंद हो गया, रिकवरी नहीं है वो। भाई साहब दो गाड़ियों बंद हो चुकी है, मर्सिडीज और बंद खड़ी है यहाँ पे। बुरा हाल है बिल्कुल, मतलब कि भाई साहब क्या नजारा आ गया। भाई साहब पानी से बुरा हाल है, शेख जायद रोड बिल्कुल जाम पड़ा है। सामने म्यूजियम दिख रहा है आपको, तो हमने साइड से रोड निकाला है क्योंकि एक घंटे से वहीं पे खड़े थे, रास्ता बिल्कुल भी नहीं चल रहा। गाड़ी देखो, ये मिट्सुबिशी लांसर कैसे पानी में डूबी हुई है, इसका तो सत्यानाश हो चुका पूरा। सामने देखो लोग कहां कहां से गाड़ियां चढ़ा रहे हैं उल्टे सीधी और निकलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि एक एक घंटे से लाइन में फंसे हुए हैं। मेन शेख जायद रोड बिल्कुल ब्लॉक पड़ा है। तो अभी इधर आया हूँ, देखो बोर दुबई में आया हूँ मैं, यहाँ पर भी देखो पानी कैसे पूरा भरा हुआ है। रोड मतलब पूरा सुनसान हो रखा है, बंदा कोई नज़र नहीं आ रहा, गाड़ी कोई नज़र नहीं आ रही। जो लोग हैं अपने घर में बैठे हुए हैं या किसी गाड़ी फंसी हुई है तो बेचारे वो तो क्या करेंगे, गाड़ी फंस चुकी है अब। मतलब जिस रोड पे जाओ देखो यहाँ पे भी गाड़ियाँ ये खड़ी हैं ऐसे ही, होटल के बाहर लोग खड़े हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, टैक्सी नहीं मिल रही है, एयरपोर्ट से बिल्कुल जो बोल रहे कि फ़्लाइटें डिले हो गई, कितनी फ़्लाइटें डिले हो चुकी हैं, टैक्सी नहीं मिल रही, लोग ऐसे ही खड़े हैं वेट कर रहे हैं। बुरा हाल है दोनों तरफ, ये देखो सर्विस रोड पर और ये मेन रोड पर लोग चल रहे हैं, पर यहाँ पर भी देखो दोनों तरफ पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। एक तरफ रोड बंद पड़ा है, एक तरफ लोग साइड से निकल रहे हैं क्योंकि दूसरी तरफ जो है मतलब घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ये टेस्ला वाला भाई लेके तो जा रहा है, ये नहीं पता ये पानी में कहाँ बंद हो जाए। तो भाई साहब अगर बरसात का मौसम है, इतना तेज़ पानी आया हुआ है, तो बेटर है घर पे रुकें, छोटी गाड़ी वाले तो बिल्कुल ही बाहर मत जाएं। स्पेशली यहाँ पुलिस ने वार्निंग निकाली है, 3 दिन तक यहाँ पर बारिश होने वाली है। और आपको पता है जितनी महंगी गाड़ी होती है, स्पेशली जैसे मर्सिडीज BMW जैसे गाड़ी रहती है, उतनी ज़्यादा सेंसिटिव रहती है। भाई साहब यहाँ देखो टूरिस्ट आए हुए हैं, ये भी बाहर जाने से डर रहे हैं, पानी में नहीं जाना चाह रहे हैं, इनके होटल के आगे पानी खड़ा है, सोच रहे हैं कैसे अपने होटल जाएं, कोई इनको हेल्प भी नहीं कर रहा है। तो वापस यहाँ पर खड़े हैं, वेट कर रहे हैं कि पानी कम होगा तब हम अंदर होटल में जाएंगे। आप यकीन मानो ये देखो कितना पानी भरा हुआ है, पानी में चल रहा हूँ मैं, ये जबकि साइड वॉक पर चल रहा हूँ, इतना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। और बारिश काल देखो, भाई कह रहे कि रिकवरी वाला भी नहीं आ रहा, रिकवरी वाले को फ़ोन किया गाड़ी निकालने के लिए। अब पुलिस को फ़ोन किया क्या? पुलिस को फ़ोन करके ट्राई करते हैं, पुलिस वाला शायद आए कुछ करके हेल्प करे। बाकी अभी अगर गाड़ी के अंदर हुक भी नहीं है तो मैं भी उसको रैप्टर से नहीं निकाल सकता। सो भाई साहब अभी क्या है कि उसके पास स्लिंग रोप भी नहीं है, टो रोप बोलते हैं जिसको, तो मैं अभी सुपरमार्केट जाऊंगा, वहां से टो रोप लेके आऊंगा। और ये देखो पीछे मर्सिडीज़ खड़ी है, बंद पड़ी है, उसमें ऑनर भी नहीं है, तो मैं टो रोप लेके आऊँगा और इसको मैं बाहर निकलवाऊंगा गाड़ी को। फंस गई भाई गाड़ी अब तो पूरा BMW देखो, लेके फ़ायदा नहीं है, बरसात में ऐसे फंस जाती है। अब इसको मैं सोच रहा हूँ कि पुल करने की रैप्टर के साथ ना, गाड़ी इधर खड़ी है पर इसका मुझे हुक भी नहीं मिल रहा है, हुक मिल जाए तो मैं इसको पुल करूँ, इसको थोड़ा बाहर निकाल सकता हूँ। एक मर्सिडीज वाला देखो, वो भी छोड़ के गया ऐसे ही पानी में, अपना रैप्टर उधर खड़ा है वेट कर रहे हैं, पर इधर भाई अपना फंसा हुआ है BMW लेके। अगर मिल जाए तो इसको निकालते हैं, अभी मिला क्या, हुक नहीं मिल रहा ना, कोई फ़ायदा नहीं है इसे, तो फिर रिकवरी वाला भी नहीं है। लेके आए हैं 50 ग्राम खर्च करके भाई गाड़ी निकालने के लिए, और भाई साहब पानी देख, गोड्डे गोड्डे पानी यहाँ पे और रखा है, मतलब मैं बताता हूँ आपको नीचे उतर के, अभी आप देखना कितना पानी यहाँ पे है। पहले गाड़ी लगा लूँ मैं उसके साथ में, ओ माय गॉड। अब ये स्लिंग रोप काम करेगी कि नहीं करेगी, ये भाई बनाएगा वीडियो, ले भाई तो बना वीडियो।
और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये भाई बता रहा है कि इसकी गाड़ी जो BMW है ये न्यूट्रल भी नहीं हो रही, मतलब उसका गियर फंसा हुआ है, वो गियर में ही है, तो मतलब मुझे घसीट के ले जानी पड़ेगी। अगर न्यूट्रल हो जाती फिर तो एकदम मक्खन मलाई की तरह जाती, पर अब बहुत जोर लगने वाला है। तो भाई ये BMW वाले की गाड़ी तो निकाल दी है, अभी बाहर रोड पे ले आए हैं। है? ये भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। बहुत मेहरबानी आपकी, धन्यवाद। दुबई में कोई किसी की हेल्प नहीं करता है भाई, देखो जैसे और होना चाहिए बस। एक घंटे से दो घंटे से भाई फंसा हुआ था यहाँ गाड़ी के साथ, रिकवरी को फोन किया, किसको फोन किया, कोई नहीं आ रहा था निकालने के लिए। थैंक यू वेलकम भाई, वेलकम भाई। पानी से तो बाहर निकाल दी है, पर उसको पार्किंग लगाना है। देखो पिछला टायर कैसे स्कीड हो रहा है, बिल्कुल घूम नहीं रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा साइड में एक पार्किंग है, तो वहाँ तक इसको छोड़ रहा हूँ ताकि वहाँ से रिकवरी वाला या फिर कोई कंपनी वाला उसको ले जाएगा आगे। आपको उसको गाली देना माँ बहन की अगर नहीं आएगा तो वो वाला है ना।